전에 어디 그냥 뭐 그래. 아이 조가완. सर ये व्लॉग में रिकॉर्ड हो रहा है तो थोड़ा गाली गलौज कम कीजिएगा थोड़ा सा। हाँ ये शुरुआत है व्लॉग की। अच्छा तो गाइस शुरुआत हो चुकी है, हम अभी फ्रेश नहीं हुए और आई तीसरा दिन है बिना नहाए। बहुत अच्छा फील आ रहा है, एंजॉयमेंट वाली लाइफ है। विषय ऐसा है कि आज हम सोमनाथ दर्शन करने वाले हैं, लेकिन देखो मैं उठा हूँ 12 बजे, 1:30 बजे और ये लोग उठे 1 बजे, लेकिन थोड़ा आलस रिकवर होते होते सारी चीजें होते होते हमको होने वाली है दोपहर। तो अब हम फ्रेश होंगे और निकलेंगे सोमनाथ टेम्पल के दिल में, मेरी जाने जगांडा। तो आपका स्वागत है आज के आपके भाई के इस प्यारे से ब्लॉग में। इस ब्लॉग को देवदर्शन ब्लॉग भी आप बोल सकते हो। अब कुछ लोगों के देवदर्शन ब्लॉग को आप देखते नहीं हो, लेकिन ऐसा मत किया करो, देखा करो, देवदर्शन इज नाइस थिंग। सो मैं भी आज देवदर्शन ब्लॉग बनाऊंगा और देवदर्शन में बहुत सी चीजें होने वाली है, मजा आएगा। चंचन चनन नंचन चनन, चलो अंगोल करते हैं। सब रेडी हो चुके हैं और निकलने की तैयारी कर चुके हैं, मेरी चंचू। और पीछे जो फोन बज रहा है वो चेकआउट का, क्योंकि 2 बज गए और अभी तक हम यहाँ से निकल नहीं रहे, लेकिन अब हम यहाँ से निकलेंगे और राडा करेंगे मेरी टुर टुर टुरु टुर टुर टुर। वैसे ही आउटफिट है आज का, और मैंने स्पेशली बांदिल की जैकेट पहना है, उसके पीछे रीजन है। बांदिल की टी शर्ट पहना है, उसके पीछे रीजन है, क्योंकि अपना पहला मर्च टी शर्ट है। तो एक अच्छी चीज करने के लिए जा रहे हैं, देवदर्शन है तो वहां पे देव बप्पा ये देखेगा और बोलेगा और टी शर्ट छापो और प्रोग्रेस करो और आगे बढ़ो और महीने के 2 करोड़ हम कमाओ। कर लो मैटर माला टेंशन है, तेजस्वी माला काय घेणार नाही, पैसे ट्रान्सफर झाले पाहिजे, विशेष संपला सणवार माला घेणार नाही। सिद्धू तू काय सगळं एक्सपोज वर टाकायला घेतलं माझं तू ब्लॉगला? आज का ब्लॉग तेरा एक्सपोजर ब्लॉग है। शुरुआत में क्या बोला तूने? ये देखो प्रणीत भाई, नो शुगर चैलेंज ब्रो, यापा यापा चल पापा। बर्बादी बर्बादी चाल रहे शुगर खाउन खाउन। मला उमंग सर बोलले की 1 आठवडा तुम्ही जरा गॅप घ्या, एन्जॉय टू मॅक्सिमम, मग आपण नेक्स्ट आठवड्यापासून फुल ग्राइंड। सेम सेम, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आणि अभी गरुडा जी अभी भी बाथरूम में ही है, क्योंकि वो आधा घंटा कम से कम लगाते हैं। गरुडा जरा मुंह दिखा ना, मुंह दिखा ना। ओ ये अरे पूरा मुंह दिखा दिस। तो हमारे ग्रुप में पहली बार इतना किसी ने बाल बड़ा होगा रे। अभी हम खाना खाने आए हैं दोस्तों, ये सारा वेजिटेरियन मेन्यू है। पता नहीं मुझे कैसे, मुझे लगा इतना वेजिटेरियन मेन्यू मैंने पहली बार फील कर रहा हूँ रे। टोटल वेज है, सब कुछ सब वेज है, मतलब अच्छा गावत सम भी नहीं रहा है। मैं क्या मंगाऊँ मैं, मतलब किसी भी वेजिटेरियन बंदे को इतना अच्छा लगता है ना ये सब, मतलब मैं तो पागल हो गया हूँ। अभी करण भी वेजिटेरियन हो गया है, गरुड़ा तो वेजिटेरियन ही है, ये भी वेजिटेरियन है। तो हम लोग है ना पागल, मतलब मैं पागल फील कर रहा हूँ कि भाई इतना वेज है। मैं आई शपथ वेजिटेरियन होना बहुत अच्छी बात है यार, आई लव टू बी वेजिटेरियन दोस्तों। तो हम सोमनाथ के लिए निकल चुके हैं दोस्तों, अपनी प्यारी सफरू के अंदर, मेरी चौंगा पोंगा नलगोंगा, मजा आएगा। रिलैक्स द गेमिंग द बेबीज द डॉल्स द बच्ची। और अभी हमने वेजिटेरियन खाना भी खाया, बहुत अच्छा लगा। क्या बोल रहे हो अभी भाई? मैं क्या बोलता हूँ कि हर रोज वेज खाते तो 10 बार बोलने की क्या जरूरत है। वेजिटेरियन वेजिटेरियन मेन्यू में टोटल वेजेस, वेजिटेरियन बन वेजिटेरियन हो गया है, ये भी वेजिटेरियन है। इतना वेज मैं खुद वेजिटेरियन होना वेजिटेरियन दोस्तों। अरे तुमने वेजिटेरियन खाया, आज यहाँ पे सब वेज है, हजार बार चुप बोल रहे। लेकिन तुम तो वेजिटेरियन हो ना वैसे श्रीमान जी? अरे बाबा मैं वेज हूँ, बट कैसा होता है देखो मैं बताता हूँ कि कभी कभार ना 100 में से 1 बंदा बोल देता है कि अरे नॉन वेज खाया वेज खाया बताया करो, थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन दिया करो, हमें अच्छा लगता है। और बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि तू श्रीमान वेज खाता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तू वेजिटेरियन है, प्राउड लगता है उनको, और मैं उनको प्राउड फील कराना चाहता हूँ भाई साहब। और मुझे बता अभी आज संकष्टि चतुर्थी, आज तो हम 12 बजे से पहले ही वेजिटेरियन खाएंगे और बाद में भी वेजिटेरियन खाएंगे, उसके बारे में क्या कहना चाहते हो? नहीं वो बात तो है, यानी
सूरज ढलने तक तो पूरा एकदम वेज खा के शांत हो जाए। और पनीर अभी छोड़ दिया मैंने दोस्तों, मतलब पनीर का कंटाला है अभी मैं वेजीज और वो क्या रहे वो सोयाबीन हाँ वो खाएंगे, मजा आएगा। मशरूम भी खा, मशरूम भी खाएंगे। मैं तो पूरे तीन दिन का कसर निकलने वाला हूँ, चिकन तंदूरी लॉलीपॉप। क्या बोल रहे हो करण? मैं तो अभी तीन चार दिन का ऐसा कसर निकलूंगा ना, लॉलीपॉप चिकन बिरयानी तंदूरी सब प्लेट रखूंगा, जितना जाएगा उतना। गंदगी रे, गंदगी रे दोस्तों, देव दर्शनाला आले काय खाने रे मने तमी थांबवतो। अब हम निकल चुके हैं दोस्तों जगह पे, वहाँ पे मोबाइल अलाउ नहीं है ये उन्होंने पहले ही बोल रखा है, लेकिन फिर भी हम मोबाइल ले रहे हैं क्योंकि मुझे मंदिर के पाइथी तक मोबाइल अलाउ है ऐसा बोला गया है, तो पाइथी तक अपन लेके जाते हैं मोबाइल और फिर देखते कैसा क्या है। और जैसे देख सकते हैं नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे हमारे पीछे जा रहे हैं, इनका भी कुछ देवदर्शन का विषय है, एकदम वाचपर और उप्पा है, लिमलिमी लुप्पा है। ये देखो रात इज्जत है का नहीं? हाँ इज्जत है, फुल इज्जत है। अरे ये भक्त कौन है? भक्त जी कहाँ जा रहे हो सर आप? मैं हूँ भोलेनाथ का भक्त। ओम त्र्यंबकाय यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमेव गंधनान मृत्युर्मुक्ति यमामृतात्। वाह 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 वाह, जय श्री शंकरा, जय श्री शंकरा, शंकर बापा की जय। मचा देंगे ओए, बल्ले बल्ले, बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले। पूरण उसी लास्ट है रे अपने हमारे घर ही बस आली पला। दोस्तों ये देखो यहाँ पे, चला विषय संपला भवन। दोस्तों ये आई थिंक ये महाराणा प्रताप जी की मूर्ति है, कितनी प्यारी लग रही, देखो वाओ। हेलो अंकल, इज्जत है, हेलो अंकल, अंकल अंकल, हाँ फुल इज्जत। हाँ आईच्या गावात अंकल, माला अंकल। रुको जरा मैं जरा ढूंढता हूँ ये कुछ किसकी मूर्ति है, रुको एक मिनट। दोस्तों हमीर जी मोहिले जो है उनका वो है मूर्ति, महाराणा प्रताप जी का नहीं है अंकल। उनके लिए मुझे कुछ चीज़ें, अंकल मुझे काका बोला तो खुश हुआ था ना, हाय अंकल ऐसा किया। गाइस मैं अंकल लग रहा हूँ स्टोरी में, हाय करो अंकल को बोलो, अंकल को हाय बोलो, अंकल को हाय बोलो। हाय अंकल, अरे थैंक यू ना मेरी जाने चिंची इज्जत। इधर से पाव पट लो, सार्थक हो गया मेरी जान का, खुशी हो रही मेरे को। क्यों अंकल बोला इसलिए? चाइला तो एक दिन लड़का काका बोला ना, मेरी धज्जिया उड़ दी थी पूरी स्क्रीन पे, लेकिन मैं वापस से पाव पड़ रहा हूँ। अरे पण तुला जो काका बोलणार होता ना तुझ्या वयाचा होता थेरड्या, आणि हा अंकल बोला एवढा लहान आहे तो दहावीतला आहे। चलो दोस्तों अंकल चले आई शपथ। ये देखो वाव, मैं बहुत मतलब अच्छा फील कर रहा हूँ, बहुत पॉजिटिव फील कर रहा हूँ। ये बाकी लोग किधर, गरुड़ा और डाकू बॉय किधर है? अच्छा डाकू और गरुड़ा उधर ये कर रहे हैं वो कपाल करंटे गिरी। अभिजीत भाई और इन्होंने भस्म लगा दिए। देखो डाकू, हाँ 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 हाँ, नको ताई काकू नको मुझे ये वो ये सोमनाथ जी लगा। कैसे दिखोगी तुम? बाप रे मस्त लुक चांगला आला, लुक चांगला आला, अच्छे लग रहे। हम यहाँ से भी जाते हैं थोड़ा सा स्ट्रेट ऐसा चलते हैं, माला पण लावलं असतं त्यांनी। ऍक्च्युअली चांगले छान आहे, अच्छा लगा ना चाहिए, बट मैं सोच रहा हूँ कि अंदर देखते ना है कि नहीं है। मन में भगवान होना जरूरी होता है, तन पे तो दुनिया लगा के घूमती है, भगवान को मन में लगाना चाहिए, समझ रहे हो। फाइनली यहाँ पे मोबाइल दान करना ही पड़ेगा दोस्त। और ये देखो कितने लोग हैं, प्यारे प्यारे लोग हैं, गोंडस, लेकिन मोबाइल दान करके फिर आगे बढ़ना है। तो अभी मोबाइल रखते हैं, अंदर की फुटेज मैं आपको इंटरनेट से दिला के दिखाऊंगा, है कि नहीं। चलो बाय। दर्शन हो गया दोस्तों, बाहर आ गए हम, अंदर कैमरा अलाउ नहीं था, बट बहुत ज़्यादा प्रसन्न पॉजिटिव एक अलग ही वाइब्रेशन फील होता है वहाँ पे अंदर जाने के बाद। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने जाऊँगा बहुत टाइम लगता है, और लोग देख मतलब अपने ही लोग देखेंगे थोड़ा सा, उनके सामने लाज वाटती थोड़ी, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील है, बहुत अच्छा फील है।
अंदर बस मोबाइल अलाउ नहीं हुआ, और लेकिन मोबाइल अलाउ नहीं हुआ अच्छा हुआ, इतने टाइम मोबाइल नहीं था ना तो बहुत अच्छी बातें हुई। गरुड़ा जी और तन्वी जी है ना, इनको नॉलेज बहुत अच्छा है इन देवधर्म वगैरह सब के बारे में, तो वो लोग ज़रा डीपली बात कर रहे थे और हम लोग भी वो सुन रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था, मस्त एकदम। वहाँ पे एक खाम है बड़ा, वहाँ से सीधा नॉर्थ पोल की तरफ एक तीर जाता है और उसको बोला गया कि वो बिना किसी ऑब्स्टेकल के सीधा नॉर्थ पोल पे जाता है वो तीर, इतना एक्यूरेट है वो। सोचिए आप आओगे तो देखना ज़रूर। और मंदिर तो नेक्स्ट लेवल है, इस मंदिर का रिनोवेशन किया गया है 20 साल पहले मंदिर को बांधा गया है, बहुत पॉजिटिव अंदर वाइब है। लेकिन जब आप अंदर जाने के बाद शंकर बापा को देखते हो ना, मस्त लगता है रे, अच्छा लगता है एकदम, पॉजिटिव वाइब। बहुत सी चीज़ें मांगी नहीं है मैंने, बहुत सी चीज़ें बोली है, व्यक्त की है, और बापा को बोला है कि आप जो सही फील करते हो वही होने दो, अच्छा लगा। शिवान फैमिली की तरफ से भी कुछ चीज़ें बोली, शिवान फैमिली के लिए भी कुछ चीज़ें बोली, अच्छा लगा। ईच एंड एवरी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। 2500 साल पहले के शंकर शिंपी, अरे अंकल 3000 साल पहले यही वो बेच रहे, एक नंबर टॉप लेवल का शंकर शिंपला। और ये आप डमरू बजा रहा है वन साइड, किंग कितने का है शंकर? 200 रुपए का। देखो 2500 साल पहले का शंकर 200 रुपए। हाँ बचा, चल बचा, निपले बचा, निपले बचा, निपले बचा, बचेगा ना कला। तुझी लायकी आहे का शंख वाजवतो? अरे शंख वाजवण्यासाठी तेवढं पवित्र व्हायला लागतं। मैं मला अरे हॅलो ब्रो, मैं अभी शंख वाजवतो, देखो कैसे कैसे होते कैसे, इधर पकडणे का अंकल दिखा। एक बार तो आया मी इज्जत मला इज्जत आहे मला इज्जत, मी पुण्यवान आहे। यस ब्रो, ब्रो कैसे हो? कैसा लगा सर? मैं तो यहाँ प्रॉपर गई हूँ, बहुत बहुत अच्छा लगा। नको ना बस ना, लाडू संपवतील सगळे मशा। अम्मा घुसवू नको भाई, इज्जत जाईल। हा याच्या घुसव, याच्या कसं नारा धमाचा या काय ई लचका 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 लचका। अभी ना हंबाने ना हंबाने मंदिर देख लो पहले, फिर बताता हूँ। हम्बाने ना हम्बाने ये डाकू का पार्ट लग किया, ये भाग रही थी पीछे से हम्बा, इसकी हवा हवा टाइट हो गई, देखो हवा टाइट हो गई। ये अपना गरुड़ द मैन किधर है? गरुड़ द मैन ये देखो दोस्तों, अभी मंदिर कलरिंग कैसे दिख रहा है, और अभी आप देखने वाले हो जूम, प्रॉपर जूम। वाह वाह वाह, झंडा देखो, झंडा देखो, रात को बहुत बढ़िया लग रहा है। सुपर सुपर, यस बेबी डॉल आया आया। जैसे कि आप अभी देख रहे हो दोस्तों, हम जा रहे गिर के जंगलों में। ओ ये कैसा लग रहा है करण, गिर के जंगल में आके बहुत मजा आ रहा है। मजा जंगल में वाघ दिखा क्या? दिखा ना। मैं थोड़ा सोया हुआ था लेकिन अभी मैं जग गया हूँ। हम जा रहे गिर के जंगल में। ज्यादा बात मत कर, मैं अब भी सोया, उठा नहीं, तू कंटिन्यू सो रहा है। हाँ वो थोड़ा कंटिन्यू सो रहा हूँ, मैं पीछे बैठ जाता तो नींद आ जाती, मुझे गाड़ी दे नहीं रही इसलिए। लेकिन अब हम यहाँ पे कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह देखेंगे, कोल्ड ड्रिंक अच्छी नहीं है, बात पानी पी लेंगे। अब हम मेरा पसंदीदा खाना तो खा रहे, क्रैम्स वगैरह, बट यहाँ का गुजराती खाना मंगाया है, आलू पराठा थेपला गाठिया। अभी खा के हम देखते हैं कैसा लगता है। और बोला जाता है कि ये जो हम इलाके हैं ना, अभी हम गिर के जंगलों के बीच में है, यहाँ पे होटल वगैरह है, लेकिन यहाँ पे शेर भी रोड पे भी आ जाते हैं नॉर्मली, लेकिन इंसान को कुछ नहीं करते। यहाँ का रिकॉर्ड है कि इंसान का नुकसान नहीं अभी तक हुआ। शेर पादा दोस्तों, शेर पादा। ये देखो वेज कलेजी बेटा, उर्फ गाठिया गाठिया। ये देखो ऐसा ऐसा चटनी के साथ खाना पड़ता है, और ऐसा ये टिकट होती है क्या? ना है, गोड़ मिर्ची। फिर ठीक है।
दोस्तों अभी ये हो गया कलेजी पेटा हो गया, अभी आ गई सुरमई उर्फ गाठिया ना, ये फाफड़ा। अच्छा ये फाफड़ा है, फाफड़ा ये भी उसी के साथ खाने का, चखने के साथ। दोस्तों ये देखो कोलिम कोलिम को इसके साथ खाने का होता है। हाँ। कोलिम में क्या क्या है? घर सूखा घर ओले बोमलांचा गुआ। जल्दी बोल, पनवेल आ गया दोस्त। अरे बोल ना, वो बोम्बल रस्सा कोलंबी सुकड़ नरम नरम काय दे छोटी कोलंबी का ये गुर्दा जवळा जवळा आणि वो जवळा सुकट। नहीं यानी ट्राई चांगला केला, इसने अच्छा ट्राई किया कि मैं अभी कॉमेडी करने वाला हूँ, बट उसकी मेमोरी लॉस चलती रहती है ना बीच बीच, उस कमतरता की वजह से वो कुछ नहीं कर पाया दोस्तों, बाकी यही जिंदाबाद। ये देखो अभी हम आ गए हैं सावाज करके एक रिसोर्ट है, यहाँ पे बहुत ही सुंदर रिसोर्ट लग रहा है और बहुत ही मनमोहक रिसोर्ट लग रहा है, और यहाँ पे बहुत ही वो देखो शेर का सिंबल, देखो शेर का सिंबल सुपर चुम्मा चुम्मा चुम्मा। और ये रिसोर्ट देख के ना अपने भंडारदरा की याद आ रही है, तो एक तरीके से भंडारदरा का रिसोर्ट है ना, वैसा फीलिंग आ रहा है। युब्बा ये हमारे सर है, सर आपका नाम क्या है? वीरा। वीरा देखो हम मूवी निकाल रहे हैं, तू शेर हम सिपाही, ठीक है? तो अभी दो दिन शूटिंग चलेगी, आपको लेंगे, आप रोल करोगे ना एक्टिंग किंग, किंग एक्टिंग करेंगे। करण कौन सी कौन सा रोल देंगे सर को अपने, बोलो। अरे देखो मैं शेर से लड़ने वाला हूँ। वो VFX आर्टिस्ट को बुलाया क्या? अरे यार मैं भूल गया, तो इनको पहनाएंगे वो शेर का ड्रेस? नहीं नहीं ये तो ये तेरे साथ लड़ने जाएंगे दोस्त, आप जाओगे ना सर? 100% काम 25 ना ब्रो। और ये डायरेक्टर है, डायरेक्टर मैम हमारी फुल इज्जत। अच्छा है, अच्छा रिसोर्ट आपका। रानी मुखर्जी पहचानते हो? हां जी सर, रानी मुखर्जी की सगी बहन की बेटी। रानी मुखर्जी क्या होता है सर? बाबा ये हमारा है ना, ये थोड़ा सा तोतला बोल देता है। रानी मुखर्जी की नातेवाई मतलब रिलेटिव। हाँ इनका नाम, हाँ इनका नाम है रुक्मिणी मुखर्जी। ये कैसा, ये नहीं वो नहीं क्या बिहाइंड द सीन्स, वैसा शूटिंग चल रहा है अभी ये, और मूवी का कैमरा अलग गाड़ी में। अब हम वो होटल छोड़ के एक दूसरे रिसोर्ट में आए हैं जिसका नाम है द फर, क्योंकि यहाँ पे प्योर वेज जेवन ही मिलता है, वहाँ पे प्योर वेज जेवन नहीं मिल रहा था ऐसा गुप्त सचकों ने मुझे सुनाया था। तो अभी मैं एक जगह पे आया हूँ, वहाँ पे देखते कैसा क्या, हर जगह पे शेर के सिंबल है, सब कुछ है, बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे जकूजी ऐसा बोला गया है, बाथटब ऐसा बोला गया है, अभी देखते हैं क्या क्या मिलता है हमें, चलो लेट्स गो द बेबी। कैसा ना मैं अवॉइड करता हूँ आपको ये रिसोर्ट फिसोर्ट ऐसी चीज़ें दिखाने में, लेकिन अपन आए गुजरात, यहाँ पे ना थोड़ा अलग ही है। ये देखो ना, ये देखो है तो सब मस्त एकदम क्यूट सा है, यहाँ से साइकिल अलाउ नहीं है जैसे कि आप सिंबल देख सकते हो, लेकिन आप चल के जा सकते हो, और वहाँ पे गार्डन है। ये क्या है, ये देखो चुंडा मस्त पे की इज्जत है, और वातावरण भी यहाँ पे एकदम मस्त है। अरे मिस्टर गरुड़, इस दुनिया के सबसे टॉप लेवल के व्लॉगर आप शूटिंग मोबाइल निकल क्यों नहीं रहे आपका? उधर से करते आए, किया है क्या? मुझे तो एक, अरे मेरे साथ तो है वो दिख भी नहीं रहा। नहीं हो गया अभी, देखो ना ये एंट्री क्या अच्छी बनाई है, यहाँ पे आके मुंडी उड़ाने की, और हाँ ऐसा मुंह डुबा के नहीं निकालने का, फ्रेश हो जाता है बंदा। रूम 30,000 रुपये कुछ तो बोल रहे हैं, इच्छा तो है यहाँ पे रहने की, उन लोगों का भी कुछ चल रहा है डिस्काउंट होता है कि नहीं होता है, लेकिन अभी भाई बोल रहे हैं यहाँ पे भी श्रीमान फैमिली अवेलेबल है। श्रीमान फैमिली बोल रही है, मतलब श्रीमान फैमिली का एक बंदा है, वो बोल रहा है कि आप बस एक इशारा करो, यहाँ का सरपंच भी लेके आता हूँ, उनके साथ गार्ड बेड सब, आपको जंगल में लेके जाता हूँ, टेंशन का विषय नहीं, सब आप नहीं है। क्या बोल सकते हो आप सर, मतलब गुजरात में हम आएंगे और अपनी श्रीमान फैमिली की ताकत दिखाएंगे, तो ये अपने साथ जो आए हैं उनको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा ना कि सर गुजरात में भी इनकी पावर है कि नहीं? इसलिए मैं शांत रहता हूँ, जो चल रहा है वो चलने देता हूँ, जैसे हो रहा है वैसे होने देता हूँ, चिल लाइफ ब्रो, दिक्कत की कोई बात नहीं है। अब 5-स्टार में रहेंगे या 2-स्टार में, ये इनके हाथ में है, मैं तो आराम से वेट करूंगा और आराम से चिल करूंगा मेरी चुंचू। हर जगह पे वागो भाई रे दोस्तों, हर जगह पे वागो भाई। और ये देखो दो शेर एक दूसरे से वार्तालाप करते हुए, किससे बात हो रही है दोस्त? भाई आपस में बोल रहे,
अरे हाँ, पादत पले पादत शेर सामने आने के बाद बिल्कुल नहीं। माझे वाह दोन चार मित्र पण आहे, त्यांच्या पिल्लांबरोबर मी खेळणार आणि मग घरी येणार। रोमांटिक रूम है, रोमांटिक रूम आती जाए, रोमांटिक रूम, रोमांटिक रूम। अच्छा तो अपन ऐसे उड़ी विड़ी मार के अच्छा बेस्ट है। हाँ बाकी काका खूब चांगले इज्जत है। ये अंदर क्या है? किंग है, बाथरूम बेडरूम किंग है। एक्चुअली मैं जानता हूँ, देखो कैसा है, तुमको एक सिंपल सी बात बताता हूँ दोस्तों। ये हर मैं कभी ब्लॉग में ना रूम भीम दर्शन मुझे अच्छा नहीं लगता आजकल। पहले पहले अच्छा लगता था, नया नया भाषा भाषा रूम में जाते थे। अब ये बहुत कॉमन हो रहा है कि नहीं? तो ऐसा मुझे अच्छा नहीं लगता। बट कैसा, ये गुजरात में हम पहली बार आए ना, तो यहाँ का रीति रिवाज, यहाँ का रूम, जैसे कि अभी ये देखो ना, ये देखो कितना ज़बरदस्त है, ये देखो। आए हाय, तो ज़रा यहाँ पे थोड़ा सा अलग वाइब है, इसलिए बाकी कुछ विषय नहीं है। अभी हम जाएंगे खाना खाने। जन्नत नहीं दिखाया दोस्त, दिखाओ अभी रूम दिखा रही हो। तू 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 संदर दद 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 सद दद 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 आई काळोख जाम झाला रे, काय दिसत नाहीये वागे उलट। हाँ, नसीब अपना अपना। होटल में रूम तो बहुत अच्छी मिली, लेकिन खाना नहीं अवेलेबल क्योंकि वो सब बंद हो गया। तो अभी हमको यहाँ पे कलेश होटल में लेके आए हैं। अभी आई थिंक यहाँ पे है खाना, देखते हैं। और हम प्रे कर रहे हैं कि साला रोड पे हमें शेर मिल जाए। अगर रोड पे शेर मिल जाए तो मज़ा ही डबल आ जाए भाई। उससे पहले यहाँ पे खाना खाते, बट आई थिंक यहाँ पे भी काम 25 हो गए। देखो ये देखो, बता रहे हैं उनको कि नहीं मिलेगा खाना, निकलो यहाँ से, पीछे क्लोज। ये देखो कितना गोंदस रड़त है, माझे प्रेमासाठी रड़त है, प्रेमासाठी। आई ओरडला वा त्याला, हा ओरड, आई लपला रे, ओले थोदू कुठे लपला, ऐक ऐक हव हव, ओले चुंगल्या अति तिडी, काय करते तू छोटू, चलो बाय बाय। फाइनली हम वापस अपने होटल में आए, और यहाँ पे दोस्तों खाना, आई वड़ा, पोहा, लुची, चना दाल, आई चगावा, चना दाल, जिलेबी, ओयो होए, बोले बोले, सांबार दोस्तों, सांबार पूरा भरा हुआ है सांबार। हाँ थोड़ी एक्स्ट्रा लो, हाँ एक प्लेट एक्स्ट्रा ले, हाँ ले ले ले, हाँ फ्लेवर, ये क्या फ्लेवरेड इडली, इडली सब है दोस्तों, सब है, सब है, सूपी, सूप भी भरा हुआ है, एक्चुअली इसके अंदर है सूप। हाँ इडली 3 प्लेट दोस्त, हाँ ऐसा है। हाँ, देखो मैं अभी भाई के ब्लॉग में भी बोला कि गुजरात में रूल बहुत अच्छे से फॉलो होते हैं, और लोग रूल फॉलो करते हैं, इस वजह से सारी चीज़ें खत्म हुई। हमारे जैसे लोफर लोगों का विषय नहीं होता। अगर आप रूल्स फॉलो करते हैं, आप टाइम टू टाइम घर से निकलते हैं, मतलब ट्रिप विप के लिए गए, तो आपको सारी चीज़ें गुजरात में मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप हमारी तरह लोफर हो तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम होने वाली है, जैसे कि अभी होने वाले। फिर भी वो कैसे तैसे करके एडजस्ट करके हमको दे रहे हैं, लेकिन अगर रूल फॉलो करने हैं, ईमानदारी से एंजॉय करना है, तो ही गुजरात आओ। हमारी तरह लोफरगिरी करोगे तो आपको खाना पड़ेगा वड़ा पाव अपने घर जाके, इधर नहीं मिलने वाला। ठीक है, अभी क्या है, ये सब रिकम रिकम ताट देख के हम थक गए, थोड़ा सा खाना मंगाया है, सारा का सारा वेज है, वो खाएंगे और फिर सोने जाएंगे मेरी चंचू। और इस तरीके से पूरे दिन भर में प्यारा सा सोमनाथ दर्शन होता है, खाना पेट भर होता है, और फिर अपन सोता है। लेकिन बी रेडी गाइस, क्योंकि अगले व्लॉग में शेर होता है।